हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एंड नेचर ब्लॉग। तो ये शाम के बज रहे हैं 4:30 और ये मेरी चाय रेडी हो गई है। तो मैंने सोचा चाय टाइम पे कुछ बातें आपसे शेयर कर दूं। जैसा सबसे पहले आपको 3 त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक तो महाशिवरात्रि और दूसरा नागपंचमी, तीसरी रक्षाबंधन की। और इन सब की आप और आपकी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस बार ऐसा है कि जो बातें हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो मेरे मन में भी उलझन है और आपके मन में भी हो सकता उलझन हो। तो मैंने सोचा चलो टी टाइम है तो इस समय शेयर कर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या हमको शेयर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि पे आप घर में पूजा करें। बेलपत्री वगैरह अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे जनरल आप पूजा करते हैं तो वो आपके ऊपर है कैसे आप करते हो, तो वैसे आप पूजा कर लें। महाशिवरात्रि है, काफ़ी बड़ा पर्व है बाबा भोलेनाथ का, और बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। विष्णु और दूसरा त्यौहार है नागपंचमी। तो नागपंचमी में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है। हमारे घर में चने बनते हैं और सिवाई बनती हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं। उसके बाद में मिट्टी के छोटे छोटे से नाग और नागिन का जोड़ा बनाया जाता है, जो कि बाहर रखा जाता है गेट के, और फिर उन पे धूप बत्ती, हल्दी, अक्षत और दूध चढ़ाया जाता है। इस तरह हम लोग नागपंचमी की पूजा करते हैं, जो कि घर ही में करते हैं। और तीसरी है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में आप क्या करें कि इस बार ड्राई फ्रूट्स लें भाइयों के लिए, और घर में ही जो आप स्वीट बना पाएँ तो वो बनाएं, और घर में मीठा बना लें और ड्राई फ्रूट्स भाइयों को खिलाएं। चॉकलेट्स आती हैं बहुत सारी, बहुत सारे जेम्स आते हैं, बहुत सारी जो आपके भाई को पसंद हो वो आप मंगाएं और वो खिलाएं। और जहां तक हो सके घर से ना निकलें, ऑनलाइन सामान आजकल हर जगह मिल जाता है, उपलब्ध है, तो आप ऑनलाइन मंगाएं। अगर आप मार्केट जाते हैं सामान लेने तो प्लीज़ उनको लाके थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए। मतलब बाहर का मतलब ये है कि अपने घर के पोर्च में या टेरेस पे कहीं भी रख दीजिए बैग, और फिर उसके बाद में उसको सैनिटाइज करके ही निकालें। राखियाँ हों, चाहे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स हों, कुछ भी हो, तो आप उनको सैनिटाइज करके ही रखें और सैनिटाइज करके ही राखियाँ रख लें, और तब उसके बाद में रक्षाबंधन वाले दिन जो है भाई को बांधें। और घर पे जो है आप जो स्वीट बनाएंगे वो आपका फ्रेश रहेगा। आजकल हम लोग कोरोना के खौफ से इतना डरे हुए हैं, सभी लोग इतना डरे हुए हैं कि बाहर के खाने को अभी तो अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करना भी चाहिए। और ये त्यौहार जितने भी हैं हम लोग की लाइफ का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो हम लोग जो त्योहारी आ रहे हैं उस पर सरकार का जो कहना है वो तो अलग ही बात है, लेकिन घर पे हम लोग भी सेफ़ रहें और सेफ़ दूसरों को भी रखें, तो इसलिए ये बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वही है कि आप छोटी छोटी सी इन्हीं जानकारियों को घर में अपने फॉलो करें और दूसरे लोगों को भी कहें। और जो बहनें बाहर जाती थी अभी तक राखी लेके, मैं समझ सकती हूँ कि वो इस बार हो सकता है ना जाएं, अगर जाएं भी तो सेफली। मतलब अभी भी इन्हीं जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है, अब यहाँ लखनऊ को ले लीजिए तो लखनऊ में भी अभी कई कई एरिया में लॉकडाउन है, तो अभी देखिए कि कितने दिन तक रहता है। तो अगर आप नहीं जा पाती हैं तो आप पहले से अभी से राखियाँ लेके ऑनलाइन और ड्राई फ्रूट्स लेके अभी से अपने भाई को भेज दें, जितने आपका जहाँ भी होगा अभी तो पहुँच जाएगा। अभी उसके बाद में फिर हो सकता है कि ना भी पहुँचे, तो इसलिए अभी से आप लेके ऑनलाइन राखियाँ भेज ही दें। और उसके बाद में
जो है अगर आप रक्षाबंधन को नहीं भी जा पाते हैं या आप ऑनलाइन आपकी राखियां भेज जाएंगी तो आपको मन में खुशी भी होगी कि हाँ हम अपने भाई को भेज पाए राखी। तो इस तरह रक्षाबंधन मना लें। अब क्या करें, कोरोना ने ऐसा साल ऐसा कर दिया है, आपके सारे त्यौहार तो ऐसे ही जा रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं सभी के साथ ऐसा हो रहा है। तो घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और त्यौहार भी मनाते रहें खुशियों से, और आप भी सेफ रहें, हम भी सेफ रहें, तभी ये सभी त्यौहार भी अच्छे से मन पाएंगे। आई होप कि अब जो है ये आपका आने वाला समय अच्छा हो, और इसी के साथ ये ब्लॉग आज यहीं पर समाप्त। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और अगर आपको इसमें इस वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू।